स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपके दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए महत्वपूर्ण मुकाबले के बारे में। मैच में कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपसे हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। जिन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला मुद्दा है केन विलियमसन की वापसी से न्यूजीलैंड टीम पर कितना फर्क पड़ता है, किस तरीके की टीम आफ्टर द केन विलियमसन जॉइनिंग द टीम वो अपने आप को देखती है। एंड स्पेशली डेविड कॉनवे, मिचेल, ये जो बल्लेबाजी है हेनरी निकोलस, और कितना इम्पैक्ट रखते हैं न्यूजीलैंड टीम की बल्लेबाजी में, न्यूजीलैंड टीम की विनिंग में और गेंदबाजी मूवमेंट में, लगे फर्गूसन, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, इनकी क्या उपयोगिता। कुछ इसी तरह की बातें बांग्लादेश की तरफ से जो खास पॉइंट आउट्स हैं, क्या शकील हसन अकेले टीम का बोझ उठाते रहेंगे, कुछ यही बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। न्यूजीलैंड टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और काफ़ी हद तक ये फैसला मैं कहूँगा न्यूजीलैंड टीम का अब सही रहा। ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट को अब तक मैंने जितना देखा है ना, जितना एनालिस किया है, मैं एक चीज़ समझ पाया हूँ कि हिज इज स्टार्टिंग बॉलर हु वॉन्ट टू पिक द विकेट इन द फर्स्ट स्पैल। वो इस तरह के गेंदबाजी की शुरुआती स्पैल में अपने वो एक से दो विकेट अगर निकाल लेते हैं उसके बाद एक ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है। अदरवाइज वो इकोनॉमिकल रह सकते हैं आपके पूरे अपने 10 ओवर के कोटे के दौरान। आज लिप्टन दास की विकेट निकाली और वो हाँ वो जो पहली गेंद पर लिप्टन दास की विकेट निकली उसके बाद से कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई बांग्लादेश। लिप्टन दास ने पिछले मैच में 40+ का स्कोर किया था, इसमें 0, और वो फर्क पड़ता है। तंजीम हसन जो एज ए ओपनर तकरीबन 8-10 मैच खेल चुके होंगे, तो किसी मैच में आई थिंक 60 रन वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कल उन्होंने बनाया, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा उनके करियर का अब तक का मुझे। अदरवाइज इससे बड़ा स्कोर उन्होंने किया नहीं होगा। सेकंड वन था मेहंदी हसन मिर्जिया, फर्स्ट डाउन 20 रन। और ये कुछ चीज़ें हैं ना जो देखे, मैंने पिछले मैच में कहा था कि जब बांग्लादेश के पास एक अच्छे बल्लेबाज है जिन्होंने पास्ट में अपने आप को साबित कर रखा है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने पास्ट में अपने आप को साबित कर, चाहे वो मेहंदी हसन मिर्जिया हैं, चाहे वो नजीमन हसन संटू हैं, आप इनको एक मौका दीजिए, इनको ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करने का मौका दीजिए। मिडिल ऑर्डर में शकील हसन है, मिडिल ऑर्डर में मुशफिकुर रहीम है, और ये दो बल्लेबाज इन बहुत सुदृढ़ हैं, सही हैं, और इनकी इनके लिए विकल्प की ज़रूरत नहीं है। तो जो संटो और आपका मिर्जिया, दे कैन परफॉर्म अपर साइड है ना, आई थिंक इनमें से दोनों में से कोई एक एज ए ओपनर टीम में टीम को हैंडल कर सकता है। ये कुछ चीज़ें जो शकील हसन एंड मैनेजमेंट को समझनी होगी। मुशफिकुर रहीम ने कल बेहतरीन बल्लेबाजी की और उसके साथ महमूदुल्लाह ने भी एक अच्छा साथ निभाया इनका, और इसी की वजह से जो बांग्लादेश का स्कोर जो था वो 240 के आसपास, 45 के आसपास पहुंच पाया। अदरवाइज बांग्लादेश टीम में जो शकील हसन भी कल कुछ खास कर 40 रन बनाए उन्होंने, और संटो जो है वो थोड़ा सा निराश कर गए, मेहंदी ने 245 का स्कोर बांग्लादेश की तरफ से, आई थिंक इट्स लुक लाइक 41 टोटल। जो बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक है ना, जो आपके पास शफुल है जिनकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ, आई नो और काफ़ी मैचों में शफुल के बारे में आप लोगों को बताया हुआ, दैन तस्कीन अहमद अच्छे तेज़ गेंदबाज अच्छे हैं, डिक को अच्छा हिट करते हैं, मुस्तफिजुर रहमान जिन्होंने अभी हालिया लास्ट एशिया कप के लास्ट मैच से लेकर अब तक का प्रदर्शन उनका काफ़ी बेहतरीन रहा, और गेंदबाजी शकील हसन है उसके बाद से और मेहंदी हसन मिर्जिया। तो गेंदबाजी के लिहाज से अगर ये स्कोर देखा जाता तो आई थिंक फॉर द बांग्लादेश इट्स अ फाइटेबल टोटल। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स आउट डिस्कस करने की बात कही, क्या केन विलियमसन के आने के बाद न्यूजीलैंड टीम का फर्क पड़ा, वो दिखाया। वो कल के मैच में केन विलियमसन ने अपनी पारी से ये साबित किया कि भाई फर्क पड़ता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक पारी में बेहतरीन स्कोर कोई भी कर सकता है, इवन कि उस बेहतरीन स्कोर के लिए उस पारी में किसी का भी, जिससे पहले आपका जो यंग को खिलाया गया था ही आल्सो परफॉर्मेंस 60-65 नीदरलैंड कुछ ऐसा ही था, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन केन विलियमसन, केन विलियमसन उन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं जैसे विराट, रूट और आपका बाबर आजम, तो केन विलियमसन ने पास्ट में साबित कर रखा है, और वो जिस तरीके से उन्होंने मैच को, पूरे मैच को हैंडल किया, क्योंकि शुरुआती विकेट निकल चुकी थी 9 रन पर रविंद्र जडेजा की, और ये बांग्लादेश के लिए अचीवमेंट था। 9 रन पर टीम का व्यक्तिगत स्कोर आई थिंक 12 रन ही था 2/4 गेंद, वहाँ जब पहली विकेट निकली दैट शो द बांग्लादेश क्योरसिटी, बांग्लादेश कितनी अपनी गेंदबाजी को लेकर स्कोर है, कितनी वो विनिंग पॉइंट्स के लिए स्कोर है वो दर्शाता है, और वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए पहली विकेट निकालने के बाद, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से कॉनवे और आपका विलियमसन ने पारी संभाली,
कॉनवे से पहले शतक बना चुके हैं, एक शानदार शतक। तो कॉनवे तो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव, आई थिंक अब वो स्टैब्लिश हो चुके हैं न्यूजीलैंड टीम में। तो आपको ध्यान होगा एस्टर इज वन ऑफ द मैसिव प्लेयर फॉर द न्यूजीलैंड, और उनका नाम वर्ल्ड क्रिकेट में था। वैसे ही कहीं ना कहीं मैं अब कॉनवे को देखता हूँ, जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से इनकी शैली खेलने की, और स्पेशली क्या काउंटर अटैक में ना बड़ा अच्छा रोल निभाते हैं, और उसके बाद पारी को बिल्डअप करते हैं और देन उसके बाद अटैक के लिए जाते हैं, और एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलने की जो रणनीति है ना इनकी, भली बातें देख के बॉलर को पिक करके, वो बहुत शानदार है, जिसकी वजह से ये हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं। बांग्लादेश की गेंदबाजी में कल का जो, मैं अगर गेंदबाजी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान, शौकुल इस्लाम, इन्होंने निराश किया। और क्योंकि देखिए केन विलियमसन बढ़िया है, लेकिन आई थिंक फर्स्ट मैच वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, बांग्लादेश के पास पूरा मौका था प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करने का, बांग्लादेश के पास पूरा मौका था कि वो अपने आप को, क्योंकि केन विलियमसन अभी इंजरी की वजह से आउट ऑफ फॉर्म, टीम से बाहर थे, सडनली वो अंदर आए हैं, और एक मनोवैज्ञानिक ना प्रेशर होता है कि यार मैंने उस एक अच्छे ओपनर को बाहर करके टीम के साथ अंदर हुआ हूँ, तो मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं बढ़िया परफॉर्मेंस दूँ, तभी मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाऊँगा। तो वहाँ जो अपोजिशन की गेंदबाज है उसके लिए एक काम आसान हो जाता है, उसके लिए फिर उस बल्लेबाज को टारगेट करना आसान हो जाता है, और शायद यहाँ वो पॉइंट आउट मिस कर गए साकिब अल हसन, केन विलियमसन के ऊपर किस तरीके से टारगेट अटैक के लिए जाने चाहिए। 78 रन का स्कोर था केन विलियमसन का 90+ गेंदों में, 107 गेंदों में, लेकिन आई थिंक वो अटैक की जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गई, और उसी की वजह से केन विलियमसन 79 का स्कोर कर पाया। एक और बल्लेबाज मैंने जिसकी चर्चा करनी चाहिए इस मैच में, डैरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, दोनों ही मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करते हैं और दोनों ही गेंदबाजी में सक्षम है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। मिचेल ओवर द पास्ट टाइम्स उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने आप को प्रूव किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर अच्छी पिचेस मिलती हैं और या ज़रूरत के हिसाब से न्यूजीलैंड टीम इन दोनों ही गेंदबाजों का यूज करती है, तो आने वाले समय में दोनों ही गेंदबाज अपने तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे विद द बॉल, स्पेशली विद द बॉल कह रहा हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम का जो एक आज के समय में जो एक, और देखिए वो जो एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जो ये ऑलराउंडर भूमिका है ये काफ़ी हद तक सुदृढ़ है। ऐसे में देखिए न्यूजीलैंड टीम की अगर मैं गेंदबाजी, और वो ऐसे गेंदबाज नहीं है कि जस्ट टाइम पार या पार्ट टाइम, वो अपने स्टेट्स अपने कंट्री के लिए बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ, रचिन रविंद्रा, मैं तो इनको शायद पिछले तकरीबन 3 साल पहले से जानता हूँ, जब स्मैश बिग स्मैश में जो न्यूजीलैंड की स्पेशल T20 लीग है वहाँ वो खेलते हैं, और बड़े शानदार तरीके से गेंदबाजी से लेकर बॉलिंग दोनों चीज़ें अच्छा, और वर्ल्ड कप में आने के बाद इनका जो रोल निखरा है, जिनकी व्यक्तित्व निखरा है, जिनका इससे पहले उतने प्रभावी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आई थिंक इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। डैरी मिचेल, आपने कई मैचेज ऐसे देखे होंगे जो गेंद से लेकर उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है। ग्लेन फिलिप्स, वो छोटे छोटे 7-8 से ओवर के स्पेल वो बहुत शानदार तरीके से करते हैं, और ये और उसके बाद से आपका उसके बाद से आपके पास मिशेल सेंटनर है, 3 तेज गेंदबाजों की तिकड़ी है, तो 7 से 8 गेंदबाज आपके पास भरपूर है, जिनकी कोई आप लोगों न्यूजीलैंड टीम के पास वो जो गेंदबाजी ऑप्शन का जो एक कॉलम होता है ना वहाँ वो परफेक्ट है, नथिंग लेस देन, और सिर्फ बल्लेबाजी और केन विलियमसन जुटने के बाद बल्लेबाजी बेहतरीन नज़र आ रही है। आगे आने वाले मैचेस में मैं कहूँगा अगर ये टीम इसी तरीके से, देखिए ऑन द पेपर्स दे लुक सॉलिड, ऑन द पेपर्स कॉनवे डेंस के बाद रविंद्रा, डेंस केन विलियमसन, मिचेल, फिलिप्स, लैथम, सुपर, मैट हेनरी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दीज आर द फिनोमिनल टीम, अच्छी गेंदबाजी में लुकिंग फर्गूसन का टीम में वापस आना तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने परफॉर्मेंस दी है दैट वॉज सुपर्ब, और मैं उम्मीद करूँगा कि लकी फर्गूसन, देखिए बोल्ट और मैट हेनरी, लेकिन मैं हमेशा लकी फर्गूसन की गेंदबाजी का कायल रहा हूँ, एक तो स्पीड है, एक जो तेज़ गेंदबाजों का एग्रेशन होता है, एक तेज़ गेंदबाजी जिसलिए अपने आप को प्रूव करती है, तेज़ गेंदबाज जिसलिए स्पेशली खेलता है, और वो चीज़ देखने को मिलती है, दैट वॉज शोइंग द लकी फर्गूसन बॉलिंग, और दैट्स सुपर्ब।
दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जो कमेंट करके बताएगा, कमेंट करने के कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पर भी जा सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो चलते हैं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।